नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह पार्टी के सबसे अहम चेहरा है, उनकी गिरफ्तारी से पार्टी को झटका लगा है। वह चुनावी राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर और देश के दूसरे राज्यों में संगठन निर्माण में संदीप पाठक के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी में निर्णायक फैसले लेने में भी उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शराब घोटाले के मामले में 10 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी एक्साइज चार्ज मामले में प्रमुख आरोपी दिनेश अरोड़ा की एजेंसी के गवाह बन जाने के बाद हुई है। संजय सिंह को गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जिसके सिर पर मां का आशीर्वाद हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर क्रांतिकारी को जेल देखनी होती है, आज संजय सिंह को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ना डरे थे ना डरेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। वहीं राजधानी के रोशनपुरा चौराहे पर आम आदमी पार्टी द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथ ही पंकज सिंह ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है, ये मोदी जी की बौखलाहट दर्शाती है। चुनाव तक ही कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। जिंदाबाद संजय सिंह, जिंदाबाद 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 लोकतंत्र, जिंदाबाद 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 लोक जिंदाबाद। संजय सिंह और भी आम आदमी पार्टी के नेता जीत में रहे। देखिए सीधी सी बात है, देश को ये नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या किया, शिक्षा में क्या किया, रोजगार में क्या किया, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, बच्चों के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, 15 लाख रुपए कब दिए, किसको दिए, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार किसको दिए, किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं, ये सब बातें तो वो बोल नहीं सकते। तो जो काम कर रहा उसे कैसे रोका जाए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में काम करके दिखाए तो पंजाब पहुंचे, उनके आज गुजरात में ऐसा चुनाव लड़े कि उनको हालत खराब हो गई। आना चाहते हैं उनकी जो दुकानदारी चल रही है वो बंद होने का चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही नेता सब जेल जाने को भी तैयार है लेकिन डरने और दबने को। जी वैसे आज आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए मोदी जी समय 24 में उनको उनकी हार दिख रही है तो बौखलाहट में कुछ भी कर रहे हैं। पहले मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का दुनिया के नक्शे में नाम रोशन कर खिलाफ कार्रवाई की गई। 15 महीने ईडी और सीबीआई जांच करते रहे, उनके घर पे छापा डाला गया, उनके गांव पे, उनके दफ्तर पे, उनके साथ काम करने वाले लोगों के यहाँ कुछ नहीं मिला, 1 रुपए का सबूत आज तक देश के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। उसी तरीके से चाहे जो की आंखों में आंखें संसद में आवाज बोलते थे उनको पहले संसद से बर्खास्त किया गया, फिर वो जब सड़क पे आवाज उठा रहे थे तो कल उनके घर पे छापा डाला गया, छापे में भी कुछ नहीं मिला तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इस पार्टी के कार्यकर्ता ना तो डरेंगे ना झुकेंगे ना दबेंगे ना उनकी आवाज आप रोक सकते हो। हमारे नेताओं को गिरफ्तार करोगे तो एक एक कार्यकर्ता संजय सिंह बनेगा, मनीष सिसोदिया बनेगा, अरविंद केजरीवाल बनेगा। हम लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, देश में जो लूट चल रही है भाजपा की सरकार में, उस लूट के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे, उठाते रहेंगे और जनता को लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का काम हम निरंतर करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।